Hi everyone and good morning to you all lovely tiny tots. How are you? I hope you all are fine, good health and in good high spirits. I hope कि आप सब बहुत अच्छे से हैं. So let's continue our spoken English class day 4. अब तक हमने 3 days तक English sentences revise किए हैं in our daily life which we use. So let's continue our spoken English class for today. ओके बच्चों, जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी मम्मा आपको उठाने आती है ना, तो क्या बोलती हैं, गुड मॉर्निंग, गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. तो आप क्या बोलेंगे, मम्मा जस्ट कमिंग, जस्ट फॉर वेट फॉर 5 minutes. ओके, दिस वे यू हैव टू गिव द आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम गुड मॉर्निंग बेटा, गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. आप लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, जल्दी से उठ जाओ. So what will you reply? Okay, mama, just coming. Next one, get ready for school. Hurry up. Jaldi se tayar ho jao school ke liye. Get ready for school. Hurry up. Hurry up means jaldi se tayar ho jao. Next one is, why don't you want to go to school? Kai bar aapko aata hai, mama, aaj main nahi ja raha. To aapki mama kya bolengi? Why don't you want to go to school? Tum school kyun nahi jana chahte? To sometimes you feel lazy. और समटाइम्स आपका कभी टेस्ट होता है, आपने प्रिपरेशंस नहीं किया हो, तो कुछ बच्चे एक्सक्यूज़ भी करते हैं कि मम्मा आज मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम हैविंग अ हेडेक और स्टमक एक लाइक दिस. सम स्टूडेंट्स और सम चिल्ड्रन मेक एक्सक्यूजेस लाइक दिस ना. सो नंबर 3 इज़, वाई डोंट यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते मम्मा. अच्छा ओके, नेक्स्ट वन, जब बच्चा तैयार हो जाता है या पहले से पूछता है, मम्मा व्हाट यू हैव मेड इन द ब्रेकफास्ट और लंच टुडे, मम्मा आपने लंच में या ब्रेकफास्ट में आपने क्या बनाया है. नेक्स्ट वन, व्हाई डोंट यू गिव मी ब्रेड जैम सैंडविच. अच्छा, जो आपको कुछ भी पसंद हो लाइक पास्ता, मैक्रोनी, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा और ब्रेड जैम. सम चिल्ड्रन लाइक टू ईट ब्रेड जैम. तो आप पूछते हैं अपने मम्मा से, मम्मा व्हाई डोंट यू गिव मी ब्रेड जैम सैंडविच, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी एक्सेट्रा. तो कभी कभी मम्मा तो रेडी भी हो जाती हैं, तो कहती ओ श्योर, व्हाई नॉट, ज़रूर से बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगे, व्हाट यू लाइक टू ईट. ओके, नेक्स्ट वन इज, कम फास्ट, योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. जब आप बाथ ले लेते हैं उठ के सुबह, तो मम्मा क्या बोलती हैं, कम फास्ट बेटा, योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, योर मिल्क इज़ रेडी. ओके, सम चिल्ड्रन यूज टू ईट बिस्किट्स विथ मिल्क इन द मॉर्निंग व्हेन दे कम टू स्कूल ना, देन मम्मा विल से कम फास्ट, योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. नेक्स्ट, जस्ट पुट ऑन योर स्कूल यूनिफॉर्म, जल्दी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन लो, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहन लो. तो मम्मा ये भी कहती हैं आपको, तो देन यू विल से यस मम्मा, श्योर. पुट योर लंच बॉक्स इन योर बैग, अपने लंच बॉक्स को अपने बैग में रखो, क्योंकि मम्मा इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं लंच बॉक्स रखना, घर पर ही रह जाता है. देन यू विल से यस मम्मा, आई एम जस्ट पुटिंग माई लंच बॉक्स इन माई बैग. नेक्स्ट इज, हरी अप, स्कूल बस इज अबाउट टू कम. सम चिल्ड्रन यूज टू कम टू स्कूल बाय स्कूल बस और अल्वा वाहिनीज एक्सेट्राज ना, और ई रिक्शाज. देन मम्मा विल से और पापा विल से, हरी अप, स्कूल बस इज अबाउट टू कम, जल्दी कर लो, स्कूल बस आने ही वाली है, जल्दी करो. देन वॉट विल यू रिप्लाई, ओके मम्मा, आई एम जस्ट डूइंग फास्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और जब आप जाते हैं, स्कूल बस आ जाती है या आपका कोई भी व्हीकल जिस पे आप जाते हैं, तो मम्मा जाते जाते भी आपको इंस्ट्रक्ट करती है ना, ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना. और बस में चढ़ते हैं या किसी चीज़ में भी चढ़ते हैं आप, तो तब भी आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डोंट पुश एनीबडी, किसी को भी धक्का नहीं मारना, किसी को स्कूल में भी या बस में या स्टेयर्स पे भी आपको, यू डोंट हैव टू पुश एनीबडी, नहीं तो उसको चोट लग सकती है. ओके, और आपको अगर कोई पुश करेगा तो आप भी हर्ट हो सकते हैं. सो यू हैव टू स्पीक दीज शॉर्ट सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ, एंड दोज चिल्ड्रन हु आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दे हैव टू सेंड मी शॉर्ट वीडियोज़ ऑन माई व्हाट्सएप नंबर.
ओके बाय बाय चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडे, प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एंड सेंड मी द वीडियो. हैव अ वेरी नाइस डे टू यू ऑल.